हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें भी एनालिटिकल पैराग्राफ में प्रॉब्लम हो रहा है और एनालिटिकल पैराग्राफ को लेकर डर में हो तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ को एकदम सिंपल तरीके से तुम्हें कैसे लिखना है जिससे तुम्हें फुल मार्क्स गेन हो, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दो एग्जांपल के थ्रू इसको हमने समझने का ट्राई किया है और एकदम सिंपल सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि कैसे एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखा जाता है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास क्वेश्चंस में एक पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस जरूर होंगे, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दो क्वेश्चन आ रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के, एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा और एक और करके क्वेश्चंस होगा, यानी कि जिसको तुम्हें च्वाइस रहेगा कि दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को तुम्हें करना होगा। तो तुम्हें कैसे करना है, डिपिक्ट करना है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो इस टाइप के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहला उसी को चूज करना है तुम्हें, और उसको चूज करने के बाद एकदम सिंपल तरीके से इसका जितना भी होता है 100 to 120 वर्ड्स में जो इसे लिखना होता है उसको तुम सिंपल तरीके से लिख सकते हो। मैं बोल सकता हूं कि तुम 200 to 300 वर्ड्स में लिखने के कैपेसिटी हो सकती है आपकी इस वीडियो को देखने के बाद। तो एकदम वीडियो को लास्ट तक बने रहना। देखो क्या दिया हुआ है उसके बारे में देखो। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन पॉवर्टी इन यूके इन 2012, है ना, 2002। यानी कि ये जो हमें गिवन है वो कहां का गिवन है, तो यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ये पाई चार्ट हमें गिवन है। किसका? लिविंग इन पॉवर्टी, जो कि कहां पे रहते हैं, पॉवर्टी में रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का ये हमें पार्ट देखने को मिल रहा है। राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन इन, अब देखो यहां पर इंफॉर्मेशन को ही तुम्हें लिखना है कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन से हटकर तुम्हें कुछ नहीं लिखना है ना, इन्फॉर्मेशन से हटकर कुछ नहीं लिखना तुम्हें। तो सबसे पहले तुम स्टार्ट क्या करोगे, है ना, सबसे पहले तुम स्टार्ट करोगे द गिवन पाई चार्ट शोज, देखो यहीं से लिखना है तुम्हें, ठीक है, जो ऊपर में लिखा है वैसे ही तुम्हें स्टार्ट करना है। देखो लिखोगे द गिवन पाई चार्ट, है ना, शोज, तो फिर उसके बाद ऊपर में आ जाओ, है ना, द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ, है ना, तो उसी टाइप से लिखोगे द गिवन पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन द पॉवर्टी इन यूके इन 2002। ये हो गया इसका स्टार्ट करने का तरीका। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट किया हमने, जो द पाई चार्ट शोज ये लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, बस इसको हमने कैसे बना दिया, इसको हमने बना दिया द गिवन पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन पॉवर्टी इन यूके इन 2002। बस ये हमारा हो गया स्टार्टिंग का तरीका। अब जैसे तुमने स्टार्ट कर दिया, अब तुम्हारे पास क्या करना है कि अब तुम्हें 100 से 120, है ना, वहां तक का तुम्हारे पास टारगेट है कि किसी तरीके से वहां तक हमें पहुंचा देना है। और 100 से 120 लिखा हुआ है तो इसी के बीच का होना चाहिए, कम मत लिखना, ज्यादा ज्यादा मत लिखने, मतलब 250 या 200 या 150 ऐसे वर्ड्स में लिख दिया, नहीं बिल्कुल वैसे नहीं लिखना। जैसे 200 है तो 230 तक चलेगा, मतलब 120 है तो 130 तक चलेगा, उससे ज्यादा मत लिखने का ट्राई करना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखोगे कि यहां तक तो तुमने लिख दिया लिविंग इन प्रॉपर्टी इन यूके इन 2002। अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखो इसमें सबसे हाईएस्ट किसका दिख रहा है तुम्हें, तो ये देखो तुम्हारे पास हाईएस्ट है 26%, है ना, हाईएस्ट कितना है 26%। थोड़ा सा तुम्हें देखने में प्रॉब्लम होगा, बट ये हाईएस्ट 26 जो हमें देखने को मिल रहा है ना, वो कौन से कलर है, तो ये देखो सोल पेरेंट्स का कलर है, है ना, मे बी यही कलर है, ठीक है, अच्छे से यहां पर कलर जो है वो डिटरमाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सोल पेरेंट्स है ना, जो पेरेंट्स के मतलब सिंपल फॉर्म में हमें साथ देखने को मिलते हैं, तो उसका जो पॉवर्टी रेट है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और सेकेंड हाईएस्ट कौन है, सेकेंड हाईएस्ट 24% है, यानी कि सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, ठीक है, इसका पॉवर्टी रेट सबसे ज्यादा है। तो एक तो तुम सबसे ज्यादा मेंशन कर दोगे कि यूके में सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी रेट है वो 26% है, किसका है, तो तुम इस ग्राफ के बेसिस पे बता सकते हो। और उसके बाद सेकंड सबसे लार्जेस्ट किसका है, तो तुम बता दोगे कि वो है सिंगल, है ना, सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, इसका कितना है 24% हमें देखने को मिल रहा है। तो तुमने क्या किया, फर्स्ट हाईएस्ट को लिख दिया और फिर सेकेंड, है ना, सेकेंड हाईएस्ट जो था उसको लिख दिया, ठीक है। उसी टाइप से तुम फॉलो करते हुए तुम थर्ड हाईएस्ट भी लिख सकते हो, फोर्थ हाईएस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, फिफ्थ हाईएस्ट भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद सिक्स्थ हाईएस्ट भी लिख सकते हो, और सबसे लोएस्ट का भी तुम मेंशन करोगे, है ना, फर्स्ट टू का मेंशन करना और लोएस्ट का मेंशन तो तुम्हें करना ही करना है। तो लोएस्ट किसका है, 6% है, और 6% किसका है, एज्ड कपल,
है ना, एज्ड कपल का सबसे कम लिविंग इन पॉवर्टी है ना, जो पॉवर्टी में रह रहे हैं उस टाइप्स के बारे में तुम्हें डिस्कस कर रहा है। तो इस तरीके से तुम लिखोगे, और जब तुम इतना चीजें लिखोगे ना तो देखोगे तुम्हारा जो वर्डिंग वाला पोर्शन है ना, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर यूज करके 100-120 के मार्क्स को ये क्रॉस कर जाएगा। बस इतना ही लिखना है तुम्हें, बस हो गया, तुम्हारा हो गया एनालिटिकल पैराग्राफ, यहां पर लिखकर तैयार हो गया। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा हुआ है, एक एक करके देखो, बस वही चीज देखो दिया था। द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट 7 डिफरेंट कैटेगरी, है ना, 7 डिफरेंट कैटेगरी के बारे में दिया हुआ था, है ना, वही चीज हमने यहां पर मेंशन किया, ऑफ अ हाउसहोल्ड लिविंग इन द पॉवर्टी इन यूके इन 2002। It is clearly evident from the pie chart that 26% of the total poverty restricted household are those the sole parents. वही देखो, maximum चीजों को इसने लिख दिया है कि maximum कितना है, 26 parents वाले केस में तुम्हें सबसे ज्यादा poverty जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि sole parents के साथ रह रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखना सेकंड हाईएस्ट का लिखेगा ये, द सिंगल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंट्स द सेकंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन विद 24%। देखो वही लिखा है इसने, है ना, वही चीज लिखा है जो हम लोग लिखना चाहते हैं। ठीक है, वही चीज लिखा है जो हम लोग लिखना चाहते हैं। फिर आगे देखो थर्ड फोर्थ ऐसे ही तुम मेंशन कर सकते हो, इन कॉन्ट्रास्ट टू कपल विदाउट चिल्ड्रन दैट अकाउंट्स जस्ट टू 9%। देखो अब इसने क्या किया कि ये फर्स्ट और सेकंड देखने के बाद अब फिर इसने ये वाला चॉइस किया, है ना, ये वाला चूज किया, ये वाला चूज करके उसने क्या किया कि जो सिंगल एज पर्सन है उसका लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, जो कपल विदाउट चिल्ड्रन है उसका हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ऑल हाउस होल्ड है उसका लिख देते हैं। तो देखोगे तुम अब एक एक करके सबके बारे में यहां पर लिख देगा ये, देख सकते हो तुम क्या लिखा है, 9% लिखा है, कपल विद चिल्ड्रन अकाउंट्स इतना, ठीक है, पुअर हाउस इतना परसेंट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। ठीक है, देखो वही चीज लिखा है, सिंगल एज पर्सन एंड एज कपल प्रोपोर्शन आज 12%। देख रहे हो हर एक को बस डिस्क्राइब कर रहा है, बस कुछ नहीं करना तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ में, जितना दिया हुआ है ना उसी के हर एक के परसेंटेज को तुम मेंशन कर दो, है ना, हर एक के परसेंटेज को मेंशन कर दो। अगर ईयर वाइज लिखा हुआ है तो ईयर वाइज तुम मेंशन कर देना हर एक पार्ट को, जिसमें सबसे पहले तुम हाईएस्ट को लिखना, फिर उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट को लिखना, और फिर उसके बाद, है ना, अगर ईयर वाइज क्वेश्चन आया जैसे इस टाइप का हिस्टोग्राम भी तुम्हें देखने को मिल जाता है, इस टाइप का हिस्टोग्राम, ठीक है, तो उस वाले पार्ट में तुम उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा बस सिंपल तरीका इसका लिखने का। फिर देखो आगे क्या है, 14% ऑफ द टोटल हाउसहोल्ड इन यूके वेयर लिविंग अंडर पॉवर्टी। ठीक है, ये सब पार्ट लिख सकते हो तुम। ठीक है, द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन देयर एज्ड काउंटर पार्ट्स। ठीक है, कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हैड द बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, देन दोज विद चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि वही चीज के बारे में यहां पर इसने मेंशन कर दिया। ठीक है, देखो क्या है, सबसे कम पॉवर्टी किसमें है, 5% है, 5% किसमें है, दैट इज एज्ड कपल में, किसमें है, एज्ड कपल में ये सबसे कम पॉवर्टी जो है वो तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो सबसे मैक्सिमम वाले के साथ कंपेयर कर दो कि 5% जो है, यानी कि वैसे पर्सन जो एज्ड कपल है, है ना, उनमें सबसे कम पॉवर्टी देखने को मिल रहा है, देन, है ना, देन क्या, सोल पेरेंट्स के कंपेयर में, है ना, देन सोल पेयर के कंपेयर में, जिसमें सबसे मैक्सिमम तुम्हें देखने को मिल रहा है। बस एनालिटिकल पैराग्राफ तुम्हारा बनकर तैयार हो गया, देख रहे हो, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, हर एक परसेंटेज को वहां पर मेंशन करना है, है ना, हर एक परसेंटेज को मेंशन करना है, उसी के बारे में तुम्हें लिख देना है। और तुम्हें जो अभी डर लग रहा है ना एनालिटिकल पैराग्राफ को, वहां पर तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। जब तुम लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे ना, तुम्हें पता चलेगा कब 120 मार्क्स क्रॉस हो गया। भाई हमें तो 120 मार्क्स में ही लिखना था, वो भी मैक्सिमम 120 में लिखना था, हमने तो उसको क्रॉस कर दिया, है ना, तो डरना नहीं है तुम्हें। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, है ना, इसका पीडीएफ लिंक तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पर मेरे को ज्वाइन कर लेना। देखो क्या दिया है, गिवन, है ना, बेलो गिवन आर द 3 पाई चार्ट्स। ठीक है, बस ऐसे ही तुम्हें स्टार्ट भी करना होगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ इंडिया चाइना, है ना, इंडिया चाइना एंड वर्ल्ड ओवरऑल इन 2008। ठीक है, देखो जैसे ये वर्ल्ड का दिया है, ये चाइना का दिया है, और ये इंडिया का दिया हुआ है। ठीक है, किसका है, ओवरऑल। ठीक है, शोइंग द कंजम्पशन हैबिट्स, अच्छा कंजम्पशन हैबिट्स के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पाई चार्ट। ठीक है, यानी कि ये जो पाई चार्ट डिस्क्राइब कर रहा है उसी के बारे में तुम्हें लिखना है। तो चलो देखो एकदम लिख दो, एकदम सिंपल तरीके से, यहां पर तो, है ना, यहां पर तो तुम 200 के मार्क्स को भी क्रॉस कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि तीन तीन डेटा है हमारे पास भाई, तीन तीन लोगों से कंपेयर कर सकते हैं, तीन तीन डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग कैसे करना है वो देखो तुम। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करना है वो देखोगे तुम। स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, हाँ सर, जो पहले लाइन में जब सबसे पहले दिया हुआ है ना जिसके बारे में, वही चीज हम लोग लिख देंगे। तो वही लिख देना कि गिवन द अबव पाई चार्ट, है ना, या फिर द गिवन पाई चार्ट,
है ना, shows the given three pie charts, है ना, यहाँ पर तीन pie charts है ना, तो ऐसे use करना, ठीक है, the given three pie charts shows the consumption habits of India, China and world overall in 2008, बस start करने का तरीका यही हो गया हमारा, ठीक है, यही हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बता रखा है कि सबको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, जो मैक्सिमम है उसको देखना, जैसे वर्ल्ड के केस में सबसे मैक्सिमम कितना है, 41% है ना 41% है। देखो ये ब्लू वाला जो है प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में है, तो तुम फिर कंपेयर कर देना कि वर्ल्ड्स में जहां पर 41% जो है प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन देखने को मिल रहा है, वहीं पर चाइना में है ना 34% है और इंडिया में 39% है, यानी कि इंडिया भी है ना वर्ल्ड के जैसा ही इंडिया में भी प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट उठा लो वर्ल्ड में, ये देखो क्या वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वर्ल्ड में, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में जहां पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का कंजम्पशन 29% है, वहीं पर चाइना में 32% अकेले है, लेकिन इंडिया में यही डेटा थोड़ा कम हो जाता है और ये 23% तक आ जाता है, ठीक है। तो बस ऐसे तुम्हें लिखना है भाई, ये ऐसे लिखना है, मेरे को तो ऐसे बोलने में लगा ना ऐसे तुम्हारा 60 वर्ड्स से वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, 60 वर्ड से क्रॉस कर जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास दो बचा हुआ है ना, फिर तीसरा वाला पार्ट उठा लोगे, कौन सा है, एनिमल फूड वर्ल्ड, है ना, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जहां 26% है ना किसका कंजम्पशन, तो एनिमल फूड का कंजम्पशन, वहीं चाइना में केवल है ना केवल 15% लिखा हुआ है, ठीक है, ये 15% है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है, मतलब इसी के अंदर लिखा हुआ है तो दिख नहीं रहा, तो ये 15% है, वहीं पर है ना वहीं पर इंडिया में ये अकेले 22% है, कितना है 22% हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस इसी चीज के बारे में देखो, है ना, इसी चीज के बारे में देखो, है ना। और उसके बाद सबसे लोएस्ट तुम्हें कौन सा देखने को मिल रहा है, तो लोएस्ट देखो 4% है, किसका, नट्स एंड सीड्स का, ठीक है, नट्स एंड सीड्स का, ओवरऑल वर्ल्ड में जहां पर नट्स और सीड्स का कंजम्पशन केवल 4% होता है, लेकिन चाइना ने है ना चाइना में अकेले नट्स और सीड्स का कंजम्पशन 19% है, इंडिया भी कहीं उससे पीछे नहीं है, वो भी 11% इसका कंजम्पशन करता है, जो कि वर्ल्ड के कंजम्पशन से बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है। बस हो गया तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो लिखकर तैयार हो गया, ठीक है, लिखकर तैयार हो गया। अब तुम्हारा 120 मार्क्स क्रॉस कर जाएगा। अब थोड़ा तुम एक एक करके कंपैरिजन दिखाना चाहो तो कंपैरिजन भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखो क्या लिखा है, इसने भी वही चीज लिखा है, द थ्री गिवन पाई चार्ट्स डिपिक्ट द टाइप ऑफ फूड कंजम्पशन इन 2008 एज कंपेयर्ड इन द टू कंट्रीज इंडिया एंड चाइना, ठीक है, उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी है ना हमें दिखाया गया है, ठीक है, तो उसको भी तुम यहां पर मेंशन कर सकते हो। अब देखो इसने क्या किया होगा, क्या लिखा है, द प्रोसेस फूड कंपनी है ना हायर एज, देखो हाई से स्टार्ट किया है ना, कि हाई सबसे ज्यादा कहाँ है ना 41% है, हमने देखा था है ना 41% है, देखो यहीं से तो स्टार्ट किया था हमने, 41% वर्ल्ड में 41% है, चाइना में वही 34% है और इंडिया में 39% है, देखो उसको भी इसने मेंशन किया होगा, ठीक है, 41% है ना ग्लोबल कंजम्पशन इन चाइना एंड इंडिया, द प्रोसेस फूड कंजम्पशन इज मोस्ट 34% एंड 39% रिस्पेक्टिवली, देखो वही चीज कर रहा है ये, वही चीज कर रहा है भाई ये, बस तुम्हें जो डेटा दिया है उसके बेसिस में हर एक परसेंटेज को तुम्हें मेंशन कर देना है, एनालिटिकल पैराग्राफ जो है हवा में खत्म हो जाएगा, है ना, तुम्हारा पूरा का पूरा मार्क्स जो है ना वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें इंग्लिश में कोई और रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको बहुत जल्द अपलोड करने का ट्राई करूंगा। ऑन एन एवरेज वेजिटेबल्स एंड फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स 29% ऑफ कंजम्पशन, वही चीज दिया भाई, देखो 32% 27% है ना 9% ठीक है 12% यही सब दिया है कि 9% ज्यादा है, ठीक है, वो चीज भी तुम मेंशन कर सकते हो कि चाइना में है ना, चाइना में अगर तुम देखो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, बस लिखने का तरीका भाई सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे यही ग्रीन वाला कौन सा, नट्स एंड सीड्स था ना, तो नट्स एंड सीड्स का जहां पर कंजम्पशन 19% है, इंडिया में यही 8% घटकर 11% पे आ जाता है, तो लिखने का तरीका वही है, डायरेक्ट परसेंटेज लिखो या फिर तुम लेस और मोर करके लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और लास्ट में ओवरऑल तुम लिख दोगे क्या, वर्ल्ड कंजम्पशन इज लार्जली कंप्राइजेस प्रोसेस्ड फूड, चाइनीज कंजम्पशन ऑफ नट्स एंड सीड इज अनबिलीवेबली हायर देन द एवरेज परसेंटेज, ठीक है, वही चीज तुम लिख सकते हो कि नट्स और सीड्स का वर्ल्ड में जहां 4% था है ना, उसमें 19% हमें देखने को मिला था केवल अकेले चाइना में,
ठीक है, हो गया तुम्हारा खत्म, बोलो खत्म, खत्म हो गया ना। अब तुम कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा एनालिटिकल पैराग्राफ में, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम्हें इस वीडियो के बाद, ठीक है। आई होप कि आज का ये वीडियो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, यानी कि कल के क्लासेस में, है ना। साथ ही साथ शाम के हम लोग लाइव क्लासेस में भी मिलेंगे, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पेपर साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।